हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन इसीलिए देने आए हैं क्योंकि अन्य जिलों में तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं और हमारे को यहाँ DOA कार्यालय में डेली डेली साइन ओनली साइन करने के लिए आना पड़ रहा है और लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं वो भी आ रही हैं और ये जो टीचर बहुत दूर दूर से जिलों से आए हुए हैं और काउंसलिंग नागौर में काउंसलिंग तो कहीं नहीं हुई है लेकिन नागौर में जिला कलेक्टर ने ये बोल दिया है कि काउंसलिंग तो सभी की छुट्टी है और हमारे को यहाँ डेली चक्कर काटने पड़ रहे हैं डेली साइन करने के लिए और हम चाहते हैं कि हमारे को भी काउंसलिंग जब तक नहीं होती है तो हम अवकाश हमें भी मिले अवकाश बस। नाम बताइए आप। मनु जांगिड़। बोलो, किस काम को लेकर आए हो आप? सभी जिलों में रिसपल में जो चयनित हैं उनको ग्रीष्म अवकाश का लाभ दिया जा रहा है लेकिन अजमेर जिले में क्या है कि इसका लाभ नहीं दिया जा रहा, सभी को साइन करने के लिए प्रतिदिन बुलाया जा रहा है और हमारी मांग ये है कि भाई हमें जो छूट सभी जिलों में दी जा रही है वो हमें भी दी जाए। गर्मी में परेशान होना पड़ता है, जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं कुछ महिलाएं जिनके बच्चे हैं वो गंगानगर से है उदयपुर से है इतनी दूर चल के आते हैं, अगर जो कोई यहाँ पे रुकता है उसको 1500 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है तो उसके अलावा भी और भी बहुत सी परेशानियां हैं। मतलब अभी तनख्वाह किसी की आई नहीं है क्योंकि अभी जो नए चयनित हैं 2-3 महीने हुए हैं तो प्राण नंबर वगैरह की वजह से तनख्वाह नहीं आई है तो उनको सबको आर्थिक परेशानी भी होती है। इस वजह से हमारी मांग ये है कि हमें भी ग्रीष्मावकाश तक छूट दी जाए या काउंसलिंग तक छूट दी जाए ताकि हम इस चीज़ में जो ग्रीष्म अवकाश का लाभ सभी को मिल रहा है वो हमें भी मिल सके, अजमेर को छोड़ के बाकी सभी जगह पे मिल रहा है। हैप्पी जाजरिया यहाँ पे।